हेलो नमस्ते स्वागत है आपका इस वीडियो में तो आज है आपका नाइनटीन ऑफ ऑगस्ट सो मंथ इज ऑलरेडी ओवर सो टुडे इज फ्राइडे एंड द एंड ऑफ द वीकेंड प्राइमेली फॉर द मार्केट अगर हम देखें सो आज कुछ न्यूज़ है जो हम बात करेंगे जिसके बारे में हम सोच मतलब समझने की कोशिश करेंगे इज गोइंग ऑन देयर सो सबसे पहले जो है बिल्स पेंडिंग सिर्फ थर्टीन स्टेट्स बार फ्रॉम पावर एक्सचेंजेस सो दिस इज एक्चुअली वेरी बिग रीजन बिकॉज Uh, पहले क्या होता था कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो मतलब खींचाता नहीं होता था ना उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि सेंटर जो बोलता था ठीक है आप कर्जा ले रहे हो लेते रहो देते दे रहो लेते रहो बिकॉज वहाँ पे अगर आप उसको अपोज़ करते हैं देन एक नेगेटिव कैंपेन चलाया जाता है कि सेंटर हमसे जो है हमें हक नहीं दे रहा है हमसे लूटा जा रहा है हमको हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एंड अगेन दैट सेपरेटिज्म का जो भावना है उसको मतलब प्रोवोक uh, करने के लिए ये यूटिलाइज किया जाता है सो so, अभी uh, जो Uh, तेरह स्टेट्स को जो है क्योंकि उनका बिल बाकी अराउंड फिफ़्टी वन हंड्रेड करोड़ सो पावर एक्सचेंजेस क्या होता है पावर एक्सचेंज एक्सचेंजेस का मतलब आपको समझना पड़ेगा जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है स्टॉक एक्सचेंज में आप क्या करते हैं कि आप बहुत सारे जो कंपनीज है वो अपना कंपनी का जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ओपन मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो पावर एक्सचेंज में भी वही होता है कि देर आर पावर जनरेशन कंपनीज़ देर आर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वो पावर एक्सचेंज में आते हैं एंड प्राइमरीलीट इज़ सिंपल भाषा में बोलूँ तो देर इज़ अ बिडिंग कि हमें इतना अमाउंट ऑफ मेगावाट हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कौन हमें सप्लाई करेगा और वो ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ट्रांसफर होता है दैट इज हाउट वर्क जैसे आपका ऑयल क्रूड ऑयल उसका जैसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी तरीके से आपका पावर uh, एक्सचेंजेस में आपका बोली लगती है उसी हिसाब से दिस इज हाउइट वर्क एक्चुअली वेरी सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स जो है वो पैसा आपका आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि हम इतने दिनों में जो है आपका ड्यू जो है वो पेअप कर देंगे एंड अगर उसमें एडवांस देना पड़े तो एडवांस प्रीमियम एक दिया जाता है या बेसिक एक एडवांस दिया जाता है सो so इस जगह पे तेरह स्टेट जो हैं उनका फिफ्टी करोड़ जो है बाकी है कौन कौन से गवर्नमेंट है झारखंड तेलंगाना आंध्र प्रदेश जयपुर छत्तीसगढ़ तमिलनाडु जम्मू एंड कश्मीर ये सारे जो है इनका इतना पैसा बाकी है जैसे यहाँ पे हो गया टू सेवेंटी फाइव करोड़ टू थर्टी थ्री करोड़ टू थ्री एट्टी करोड़ फोर थर्टी फोर करो नाइन ट्वेंटी फोर करो सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में सो so, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो बाकी है एंड यहाँ पर उनको बोला गया कि भाई आप अगर पैसा नहीं दोगे आप अगर ड्यू क्लियर नहीं करोगे तो फिर आप जो है पावर एक्सचेंजेस जो है फ्यूचर जो आपका एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट है या फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा एंड अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपका फ्यूचर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आना चाहिए था थर्मल पावर प्लांट से वो आपके पास नहीं आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा लोगों के वहाँ पे घर में बिजली नहीं होगी ठीक है तो बिकॉज ऑफ़ यू नो तमिलनाडु इज़ एक्चुअली अ वेरी प्रॉस्पेर स्टेट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वाई दे आर नॉट पेइंग अप अगर जे एंड के नहीं दे पाता है वो अलग बात है बिकॉज वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है बट uh, तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है दैट्स वेरी सैड सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इसेंशियल तो अगर ये इन स्टेट्स में जो है प्राइमरी अगर आप देखेंगे अपोजिशन गवर्नमेंट है तेलंगाना आंध्र छत्तीसगढ़ तमिलनाडु uh, जम्मू एंड कश्मीर में तो कोई गवर्नमेंट नहीं है एंड uh, हुबली हुबली कर्नाटका में जोधपुर मतलब राजस्थान जयपुर uh, राजस्थान तो यहाँ पे आप uh, कुछ दिनों बाद देख सकते हैं कि नेगेटिव कैंपेन विल बी मे बी हो सकता है नॉट श्योर sure. कि सेंटर uh, जो है हमें बिजली नहीं दे रहे और जो आदमी का जो हक है उसको छीना जा रहा है एंड अगेन अ नेगेटिव कैंपेन बट ये चीज़ लोगों को बताया नहीं जाएगा एंड दैट इज़ वाई आई थिंक यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस नेक्स्ट इज इंडर टावर सेल बोडाफोन सी डी पी क्यू ऑन कॉल सो इंडस टावर जो है प्राइमरी इट इज ओन्ड बाय जो आपके एयरटेल के जो टावर्स होते हैं वो जिस कंपनी के माध्यम से इंस्टॉलेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड इंडस टावर्स ठीक है और ये सी डी uh, पी क्यू कंपनी का नाम है दे de <laughs> दो कुबेक। ऐसे करके फ्रेंच बोला जाता है मतलब ऐसे ही कुछ बोलते हैं सो साउंड वेरी फनी बट इफ यू आर फ्रेंच इट्स नॉट फनी तो वोडाफोन पी एल सी टू बाईन सो इट प्रोमोटर इज भारती भारती ग्रुप इज एयरटेल सो उसके बाद जो है उसका थोड़ा सा जो ओनरशिप है अराउंड ट्वेंटी ओनरशिप वोडाफोन ने परचेज किया था सो so, अगर आपको कोई पूछे की uh, इंडस्टावर्स किसका कंपनी है सो द बेसिक इट्स लाइक द आर्म ऑफ द भारती एयरटेल जो

फैक्ट्री पड़ा हुआ है बट उनका फैक्ट्री अभी भी यूज़ हो रहा था फॉर एक्सपोर्ट मार्केट फॉर लैटिन अमेरिका फॉर साउथ ईस्ट एशिया सो so प्राइमरली अभी वो जो है अपना आ, जो फैक्ट्री है वो बंद कर देना चाहते हैं so, सो महिंद्रा एंड महिंद्रा बोल रहे हैं कि भाई हम आपका फैक्ट्री ले, ले लेंगे जैसे टाटा ने फोर्ड का फैक्ट्री ले, ले लिया था सानंद में तो उसी तरीके से जो महिंद्रा बोल रहे नी आपका फैक्ट्री हम ले लेंगे हमारा ऑलरेडी कैपेसिटी फुल हो गया है हम स्कॉर्पियो uh, का इतना डिमांड आ रहा है स्कॉर्पियो एन का इतना डिमांड आ रहा है एक्स यू वी का इतना डिमांड आ रहा है थार का इतना डिमांड है बेच नहीं पा रहे बना नहीं पा रहे बेचेंगे कैसे तो इसलिए एडिशनल कैपेसिटी और एग्जिस्टिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल जाता है एन एडवांटेज Uh, और यहाँ पे uh, जी एम यानी चाइनीज ऑटोमेकर्स ग्रेट वॉल मोटर्स जो दे देर प्लानिंग टू अक्वायर द प्लांट सो दे हैव ऑलरेडी यू नो नहीं इंडिया में धंधा नहीं करना है एम uh, जी जो है एम जी भी स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक इट विल बी विलो पुस्ड इन टू द कॉर्नर बिकॉज एम जी इज़ ऑल्सो अ चाइनीज कंपनी ऑल्सो इट्स अ ब्रिटिश ब्रांड बट इट्स अ चाइनीज कंपनी सो मेन इशू यहीं पर है चाइनीज जो है यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं यहाँ पे जो है टैक्स नहीं दे रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग कंसर्न एंड नाउ सेटल ट्रेड इन रुपी विच इज वेरी गुड आफ्टर रशिया सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया क्यों नहीं कर सकता है इंडिया ही चाहे तो सबके साथ कर सकता है ना बट वहाँ पे ये, ये ना ताली जैसा होता है कि आपका एक हाथ रेडी होने से एक हाथ से ताली नहीं बचता आपको दो हाथ रेडी होना पड़ेगा so, सो इस जगह पे द अदर कंट्री हैजू बी ऑल्सो विलिंग टू डील इन रुपी अगर वो डील नहीं करना चाहते एंड दे वॉन्ट टू डी इन डॉलर बिकॉज अमेरिका ने प्रेशर दिया है सो इंडिया लोन के नॉट फोर्स दैट गवेंट टू डील इन रूपी ठीक है तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा ओके सो कल एक आर्टिकल था दिस इज समथिंग विच आई आई रियली लाइक टू कम्युनिकेट विथ यू आपके साथ इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लाइव अगर चाहते हैं कि कब बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए ठीक है सो so, अभी जो है रोशन चावला ने कल पूछा था सो ये कॉन्टेक्ट था कि अडानी को सिक्योरिटी से मिलने वाला है मतलब वो पे करेगा पे फिफ्टी टू ट्वेंटी लाख रुपीज पर मंथ फॉर दैट कैटेगरी सिक्योरिटी जहाँ पे सी जो है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा सो so, मैंने बोला था कि यू नो इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे रोशन हमारे भाई ने बोला है कि वेन अ कंट्री हैज इनक्वालिटी ऑफ इनकम रिच बिकम्स पुअर रिचर रिचर जो है ना जब आपका गैप हो जाता है न, जब आप, आप बस्ती में रहते हो और आपके सामने देख रहे हो की बी एमडब लांबोनी चल रहा है और आपको यहाँ पे खाने के वादे चल रहे हैं तो आपको लगता होगा कि भाई क्यों हो रहा है आपको फिर गुस्सा आता है क्योंकि आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है मे बी मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है एंड वो बंदा जो है पैसा कमा रहा है मतलब छाप रहा है लिटरली तो आपको लग रहा होगा कि ये तो गलत हो रहा है आप जाके वहाँ पे जो है क्राइम करते हो एंड दैट इज़ द बेसिक मोटिवेशन ऑफ क्राइम बहुत ज़्यादा जहाँ पे रॉबरी होता है चोरी होता है डकेती होता है That is the main motive. But यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ आई एम गिविंग यू सडन कॉन्टेक्सट क्योंकि इम्पोर्ट होता है सपोज uh, मैंने शादी किया ठीक है uh, फिर मेरे पास रहने के लिए सपोज वन बी एच के मेरा मंथली इनकम दस हजार रुपया अभी मुझे पता है कि मैं इस दस uh, हजार में दो लोग आराम से रह सकते हैं मतलब वी कैन सर्वाइव तो आपने बच्चा पैदा किया एक वहाँ पे आपने देखा कि थोड़ा खर्चा आपका बढ़ गया तो इट इज लिटल बट डिफिकल्ट फिर आपने वहाँ पे दूसरा बच्चा पैदा कर दिया तो आपका जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ गया इनकम कम हो गया फिर आपने तीसरा बच्चा पैदा किया फिर आपने आठवां बच्चा पैदा किया अभी आप बोलिए कि इसके लिए अम्बानी रिस्पॉन्सिबल है या आपके घर में खाने के वादे जो होते हैं गवर्नमेंट ने आपको फ्री में राशन दिया है फ्री में एक लाख का जो है हाउसिंग वो भी दिया है आपको हेल्थ केयर के लिए आयुष्मान भारत दिया है और फिर आ, ये बेसिक चीज़ें होती हैं मतलब आपका हेल्थ केयर हो गया Uh, आपका हाउसिंग हो गया आपका जो खाने पीने का जो सामान है राशन जो है वो भी गवर्नमेंट ने आपको दिया फ्री ऑफ कॉस्ट आपको uh, मिलता है इवन कि आपको वैक्सीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है पानी भी आपको लोकल में मिल जाता है अभी यहां पे आपके पास पैसा नहीं है सो so, अभी आप अगर देखते हैं कि आपके घर के सामने कोई लंबा उड़िनी लेकर चल रहा है बिकॉज ही हैज़ इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टेड इन हिज एजुकेशन और उसने हार्ड वर्क किया है शादी की आठ बच्चे पैदा किए फॉर एग्जाम्पल इन मस्क कि उसने हार्ड वर्क किया है ही हैज़ मेड बिलियन बिलियन डॉलर्स एंड राइट नाउ वो उगिनी चला रहा है या हेलीकॉप्टर में घूम रहा है सो so, अगर ये बंदा जो आज इसके आठ बच्चे हैं जिसको पता है कि मैं मेरा इनकम बढ़ नहीं रहा है आई एम नॉट इन्वेस्टिंग माई टाइम इन टू यू नो इंक्रीजिंग माई इनकम बट आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम इंटू मेकिंग मोर बच्चा सो हु इज रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे तो उसको भी गुस्सा आएगा ना कि मेरा मेरे आठ बच्चों को खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है बट उसके आठ बच्चे हैं वो लेबोटरी में घूम रहा है वो प्राइवेट जेट में घूम रहा है तो मैं उसके घर में जाकर डकैती करूंगा मैं उसके ऊपर चाकू मारूंगा इज देर एज जस्टिफिकेशन नो देर इज नो जस्टिफिकेशन सो यहाँ पे डेफिनेटली uh, uh, जब आप देख रहे हैं कि

उनको भर भर के बोला था बचाओ भाई यहाँ पे आपको यूके में रन ही नहीं देंगे क्रिमिनल्स टू मतलब नॉट ऑल ऑफ बट क्रिमिनल्स वेट टू ऑस्ट्रेलिया अभी वो डेवलप्ड एक नेशन बन रहा है या बन चुका है राइट अमेरिका अमेरिका के नीचे क्या है नॉर्थ साउथ अमेरिका है मेक्सिको है वहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा है कोलम्बिया क्राइम बहुत ज्यादा है उसके पास में ग्वातेमाल क्राइम बहुत ज्यादा है उरुग्वे क्राइम रिलेटिवली ज्यादा है आप ऊपर में जाओ नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका बोलते हैं ना लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज गिवन दी अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग आप करो नहीं तो मारो खत्म हाँ बेसिक सपोर्ट देते हैं बहुत अच्छी बात है बट यहाँ पे दैट इज अ कैपिटलिस्टिक ड्रिवन सोसाइटी सो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड मैंने आपको ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया है दैट ओनली बिकॉज रिच इज बिकमिंग रिचर पुअर इज बिकमिंग पुअर दैट इज नॉट द रीजन दैटर के पास हक होता है कि भाई रिच आदमी को जो है मार्डल ना

यूएस में जाओ एवरी वन हैज दुनिटी टू मेक मनी दैट्स वाई विल सी अ लॉट ऑफ माइग्रेंट्स गो देर बिकॉज दे नो दैट दे आर गोइंग टू गेट दी अपॉर्चुनिटी जो उनको अपने देश में नहीं मिल रहा है

टिपिकली ह्यूमस आर लेजी हमारा जो एवोल्यूशन के आई कैन स्पीक फॉर ऑन दिस फॉर आवर्स आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑलरेडी बारह मिनट हो गया सो so, आप स्किप करके देख सकते हो रियली सॉरी बट यहाँ पे वही होता है कि इंसान जो होता है ना इंसान आलसी इसलिए होता है कि आपका एवोल्यूशन में क्या होता है कि पहले हम जंगल जंगली थे जानवर गुफा में रहते थे जंगल में रहते थे एनर्जी बहुत रेयर होता था खाना नहीं मिलता था ठीक है तो इसलिए आपके पास जो एनर्जी होता था उसको कंजर्व करने के लिए आपको साध दिन सोना मतलब यू यू हैव टू स्लीप फॉर होल डे आपको सोना है अभी ऐसे अभी ऑर्डर करोगे खाना आ जाता है पहले तो ऐसा नहीं था एनर्जी अवेलेबिलिटी इतना नहीं था सो दैट्स वाई हमारा जो जेनेटिक है हमारे एवोल्यूशनरी टर्म्स में हम बहुत आलसी होते हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट माइंड सेट टू वर्क हार्ड लर्न समथिंग डेवलप समथिंग प्रैक्टिस समथिंग एंड मेक मनी मेकिंग मनी इज वेरी इजी बट यू नो उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहाँ पे लोग आपको पैसा देंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आई मेक इट फॉर माई ओन मतलब हॉबी अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है मैं इसको रेगुलर बेसिस में कर रहा हूँ एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट सुबह उठता हूँ एक घंटा इसमें डेडिकेट करता हूँ आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ अभी जब मैंने शुरू किया था मे बी एक सौ साठ सब्सक्राइबर्स थे अभी दो हजार समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं सो इवेंचुअली दिस चैनल इज गोइंग टू गेट टाइज सो मुझे डेली कुछ नहीं होगा पचास रुपये तो मिलेगा ना सो एम बिंग रिवॉर्डेड फॉर माई हार्डवर्क तो मैं एफर्ट ही नहीं डालूंगा बैठा रहूंगा तो फिर ऐसा तो नहीं होगा ना अगर मैं इसी चैनल से अगर सोचिए कि मैं कोर्सेस सेल करना शुरू करता हूँ आई एम एबल टू यू एबलो मे फिफ्टी था मतलब लाख 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 अ अ मंथ मंथ लाइक कोई गरीब uh, कोई गरीब नहीं कोई अगर बोलता है कि आप दो लाख क्यों कमा रहे हो आपको हम चाकू मारेंगे इज इट राइट तो वही बात होता है सो आई अग्री विथ यू बट आई प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट अलग अलग परस्पेक्टिव जो होते हैं उनको भी देखना जरूरी होता है एंड दैट्स वाई नो इट्स गुड टू पर डायलॉग सो सॉरी इसमें थोड़ा सा मैं ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, so, yeah. anyway, a with three guns जो है आ चुका है so, this is very funny. आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे प्राइमरली बोल रहे हैं कि ये ऐसी चलते चलते आ गया है so, सो इसका नाम है स्पीड बोर्ड का नाम है लेडी हार बिलोंग टू एन ऑस्ट्रेलियन कपल वो आ, यूरोप से ओमान तक जाने वाले थे जा रहे थे बीच में इंजन फेलियर हो गया जून महीने में और फिर कोरियन वॉरशिप ने उनको उठा के ओमान में छोड़ दिया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं आपको लिफ्ट दे दिया इसको टो करना चाहिए टो नहीं किया आ, तो ये रफ था कि टो करना पॉसिबल नहीं था। तो अभी लग रहा है कि ये बहते बहते इंडिया आ गया विथ थ्री ए के फोर्टी सेवन विच इज वेरी वेरी स्ट्रेंज गवर्नमेंट ब्लॉक एट यूट्यूब चैनल फॉर मोनिटाइजिंग हिंदू मुस्लिम डिवाइड सो गवर्नमेंट जो है वही है कि अगर ट्विटर uh, ट्विटर होता तो ट्विटर बैन नहीं करता एंड अगेन द प्रॉब्लम हैपन बट यहाँ पे मैं आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ नॉट बिकॉज ऑफ द मैसेज बट हाउ यू नो गूगल इज कम्प्लाइंग एंड गूगल मेक्स सो मच ऑफ मनी गूगल जो है uh, आपका जो मतलब कॉन्ट्रोवर्सी uh, अवॉइड करता है गूगल को बोला यूट्यूब को बोला यूट्यूब को बोला कि सो so, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आप इन चैनल्स को हटाओ देख हाँ ठीक है लीगल एक डॉक्यूमेंट दिखा दिया लीगल नोटिस दिखा दिया कोई बात नहीं हम हटा दे रहे हैं दैट इज दी दैट इज वाई नो गूगल एक्चुअली अवॉइड्स एनी पैसा बनाता है उसका काम बिजनेस करना है उसका काम किसी का स्टैंड नहीं लेना है ग्लोबल इन्वेस्टर प्राइवेट इक्विटी कैश ऑन रैली विद ब्लॉक डील्स तो प्राइम रैली वही है कि रैली चल रहा है तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कल मैंने एक वीडियो बनाया था आई थिंक किसी ने टेलीग्राम ग्रुप में पूछा था कि ये मार्केट साइकिल क्या होता है तो उसमें वही था कि अभी जो मार्केट एकदम एकदम हाई पे चल रहा है निफ्टी को एकदम हाई में चल रहा है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे जस्ट सेल ऑफ तो वही हो रहा है मैक्सेल्स जोमेटो ये सारा जो इन लोगों इन लोगों ने अभी जो है स्टॉक को छोड़ना शुरू कर दिया बिकॉज मार्केट एज दी ऑल टाइम हाई सो अभी वो कैशिंग करके पैसा लेके निकल जाएंगे इन्फ्लेशन इज ईजिंग बट टारगेट ऑफ फोर परसेंट विल बी चैलेंजिंग आई थिंक फोर परसेंट इज नॉट पॉसिबल सेवन टू मतलब यू नो सिक्स टू सेवन परसेंट इज दू नो इट मीन मीडियम उसी रेंज में वो चलता रहेगा मिनिमम इंडिया इन टैंक्स टैप्स बैंक अगेन एज क्रेडिट डिमांड पिकअप सो डेफिनेटली मैंने आपको बोला था कि जो है लोन uh, का जो है क्रेडिट कार्ड या ये सब जो लोन है वो बढ़ने वाला है दे वॉन्ट टू बाई सम कुछ खरीदना है ए सी खरीदना है घर खरीदना है सो फाइनेंस सेक्टर विल ग्रो सो इट्स ओके ओके सी एस फेस प्रॉब्लम प्रूफ फॉर एलिजी प्रोविन ठीक है तो ये डेफिनेटली चाइनीज ऐप बीच में आ गया था बोल रहे थे ना मैसेज आता था, था कि पचास हजार रुपए आपको वो मिलेगा लोन इंस्टेंट लोन मिलेगा विदाउट एनी डॉक्यूमेंट विदाउट एनी कोलाटरल तो उसके लिए भी आपको आ, वो चाहिए होता है ऑडिशन ऑडिट और, ऑडिशन क्या बोल ऑडिटिंग करना पड़ता है कुछ लीगल कंप्लाइंस होते हैं जो है, सी एस है, सी कर सकते हैं यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी वो कर सकते हैं सो so, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा घपलाबाजी हुआ था सो दे आर लुकिंग इन टू इट सो आई थिंक दिस शुड भी टेकिन केयर एंड डेल सी डूक फॉर्म डीलेट ऑफर लेटर्स सो जैसे मैंने कर, अब इवन एक महीने पहले भी मैंने कहा था कि बिकॉज डॉलर बढ़ रहा है बट अगेन दे विल बी अ प्रॉब्लम सो उनका मार्जिन जो है वो लग रहा हुआ कि इनकम बहुत ज्यादा है बट उनका मार्जिन कम होगा एंड दैट्स वाई दे डू नॉट वॉन्ट टू टेकअप मोर एंड मोर लोड एक्सपेंसिस सो इसलिए वो लोग लेटर देंगे बेंच <coughs> में बिठा कर रखेंगे या फिर आपका जो है डी लेड हायरिंग वो करने वाले हैं दैट इज समिंग सो ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है अगर आपको इसके बारे में और भी एक्सपेंसिव जानना है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा अट ऑफ मेनी इंडियन एम्प्लॉय जॉब्स नथिंग न्यू छोटा आर्टिकल है मैंने इसके बारे में बहुत बार बोला है uh, अगर आपको पता है तो आपको पता है कंज्यूमर सर्निंग टू ओपन पैक्स ऑफ एसेंशियल फाइव परसेंट जीएसटी सो कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आरबीआई बोल रहा है कि यूपीआई के ऊपर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं मतलब सर्विस चार्ज तो अगे इन द सेम एग्जाम्पल न्यूज में आ चुका है कि अगर आप दो परसेंट भी लगाते हैं एक परसेंट भी लगाते हैं सर चार्ज लोग जो है ओपन पैकेट यानी उसको अवॉइड करने के लिए दूसरा काम करना शुरू करेंगे सो दैट इज समथिंग और यहाँ पे जो है uh, टिपिकली टीयर टू सिटीज़ में आपका वॉल्यूम कम होगा टीयर वन सिटीज़ में वॉल्यूम कोई मैटर नहीं करता पाँच परसेंट कोई मैटर नहीं करेगा एंड uh, जो टीयर थ्री टीआर फोर सिटीज़ है उसमें तो ये एकदम मार्केट जो है वो सूख जाएगा <coughs> अगर आप स्मोक करते हैं दारू पीते हैं तो आपका हाई और बहुत मोटे हैं तो फिर आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे सो अवॉयड स्मोकिंग अवॉयड ड्रिंकिंग पानी पियो यार पानी फ्री में मिलता है यार ये सस्ते में मिलता है पानी पियो गवर्नमेंट कर्स विंडफॉल टैक्स सो अगर आप तेल बाहर बेचेंगे या बाहर भेजेंगे तो फिर आपके ऊपर जो टैक्स जो है स्पेशली डीजल और जेट फ्यूल क्योंकि डीजल और जेट फ्यूल लार्ज स्केल में लगता है डीजल लोकोमोटिव ये सब में चाहिए होता है जेट फ्यूल आपके लोकल एविएशन में चाहिए होता है इनपे जो है विंडफॉल टैक्सेस बढ़ाए गए हैं क्रूड में <coughs> और आपके पेट्रोल में जो है वो कम किया गया है ठीक है बहुत बढ़िया uh, विस्तार है मुझे सेकंड बिगेस्ट एयरलाइन ठीक है बैंक प्राइवेटाइजेशन शुड बी ग्रेजुअल नोट्स आरबीआई पेपर सो डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ेगा एक तो हो जाता है टू रेज कैपिटल दूसरा हो जाता है टू हैव मोर क्लैरिटी एंड मोर ट्रांसपेरेंसी थर्ड हो जाता है कि टू हैव मोर एफिशिएंसी टू गेट मोर एफिशिएंसी सो दैट्स वाई प्राइवेटाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर पी एस यू बैंक जो काम नहीं करते हैं जो एन पी ए बहुत ज़्यादा है करप्शन बहुत ज़्यादा है इनफिशंसी है एन आई ए बहुत कम है तो उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है आईधर मतलब मर्ज करते हैं मर्ज करने के बाद सेल ऑफ करते हैं एंड दैट इज वॉट दिस गवर्नमेंट इज डूंग एन आई एंड आई कम्पलीटली सपोर्टेड

ओपीएम हैज़ बेनिफिट्स, सो हर एक चीज़ का जो है uh, क्योंकि नेचुरल चीज़ें होती हैं इसका बेनिफिट्स होता है प्राइमरली पेन किलर डिप्रेशन स्लीप एंगजाइटी इशूज़ जिनको होते हैं तो ओपीएड वो यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है आपको हल्का सा नशा टाइप का होता है सो so, बट इसको लोग जो है अब यूज करते हैं इसको स्मोक uh, करते, करते हैं स्नॉट करते हैं इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर तो उनको हाई फील होता है एंड दैट्स वाई लॉट ऑफ पीपल डाई स्पेशली इन द यू तो उसके वजह से ओपीआईड uh, वहाँ पे pandemic, या एपिडेमिक बोल सकते हैं वहाँ पे अमेरिका में है बिकॉज अमेरिका हैज़ अ ह्यूज ड्रग प्रॉब्लम सो इसलिए वहाँ पे इनको बताया गया कि आप पैसा दो मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज एंड फेलियर प्रॉपरली मॉनिटरिंग ओपियाड प्रिस्क्रिप्शन क्योंकि यहाँ पे भी uh, अमेरिका में क्या होता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यू कैन नॉट बाई ड्रग्स अभी जैसे आप जाते हो विदाउट प्रस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है अमेरिका में उतना ईजिली नहीं मिलता सो देट वाज्य न्यूज़ फॉर टुडे और ट्वेंटी टू मिनट्स में खत्म हो गया सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ज्यादा कुछ न्यूज नहीं है कल भी आप देखोगे ज्यादा न्यूज़ नहीं होगा परसों भी ज्यादा न्यूज नहीं होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वहाँ पर पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर बाय बाय स्वस्थ रहिए मस्त रहिए आल सी टू बाय बाय